इस वक्त हम हैं उस स्थान पर जहां 3 महीने पहले एक साथ 12 लाख पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। तब इस बीएसएफ परिसर की टेकरी पर शहरवासियों ने मिलकर पौधे लगाए थे और अब ये पौधे पूरे पनप चुके हैं और रफ्तार पकड़ चुके हैं। इनकी जो हाइट है 2 से 3 फीट से 4 फीट तक हो चुकी है और यहाँ पर इन पौधों का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। हमने जब इस टेकरी का जायज़ा लिया तो लगा कि इन पौधों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और यहाँ पर बाकायदा पानी भी समय पर दिया जाता है। इस बार वर्षा मेहरबान थी इसलिए ये पौधे यहाँ पर पनप गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रहेगी अगले साल की गर्मी तक इन पौधों को जीवित रखना। तो यहाँ किस तरह से इनकी देखभाल हो रही है और किस तरह से इनका ख्याल रखा जा रहा है, आइए हम जानते हैं यहाँ पर तैनात कर्मचारियों से और उद्यान विभाग के उन लोगों से जो यहाँ पर इन पौधों का ख्याल रखते हैं। नगर निगम ने यहाँ पर कुल 46 कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो इन पौधों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो अब इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से इन पौधों का ख्याल रखते हैं। बताइए आप, ये जहाँ पर नगर निगम की टीम पूरी तैनात है तो इन पौधों का किस तरह से ध्यान रखा जाता है? इनमें सर खाद पानी और सब डाला जा रहा है और अभी तक सारे पौधे जीवित हैं हमारे, एक भी पौधा हमारा ऐसा नहीं है कि जो मुरझाया हुआ है। पानी की हमारे को जो पानी हम डाल रहे हैं टैंकरों से डाल रहे हैं और लाइन बिछने का काम चल रहा है और हुआ तो अगली गर्मी तक अभी जितनी भी लाइन बिछने का पानी डालने का कार्य है वो और जल्दी तेज हो जाएगा और तो हमारे नहीं मरेंगे, सब जिंदा रहेंगे गर्मी हो या ठंड। अभी पानी की यहाँ पर किस तरह सप्लाई होती है, कैसे पानी डाला जाए? यहाँ पर अभी हम बोरियों से पानी दे रहे हैं और टैंकर चल रहे हैं हमारे, और 4 तालाब है हमारे और 4 बोरी हैं। और यहाँ पर किस प्रजाति के पौधे लगाए गए? हमारे कने मधुकामनी लगी है, कने लगी है, कटहर के पौधे लगे हुए हैं और शीशम है और इसका नाम क्या महागनी के पौधे हैं, अर्जुन के पौधे हैं और कैमेलिया है, यानी कई प्रजाति के हमारे कने यहाँ पौधे लगे हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।